हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनीत और स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज बहुत ही अच्छी खबर आ गई है आप लोगों के लिए। रेलवे ग्रुप डी का फाइनल ज्वाइनिंग स्टेटस आ गया है, लिंक एक्टिव हो गया है और वो आप चेक कर सकते हैं। ये बेंगलोर जोन का आया है तो मैं आपको ये पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। बहुत जन का आया है, बहुत जन का नहीं आया है। जिनका डी भी क्लियर है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर है, मेडिकल क्लियर है, उसके बाद भी उनका नहीं आया है, तो बहुत जन का नहीं आया है, बहुत जन का आया है, तो जिनका आया है कॉन्ग्रेचुलेसन। और पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ किस तरीके का है वो, क्यों आया, कैसे आप देख सकते हैं, कैसे आप चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो पे आप पूरा बने रहेंगे, पूरा डिटेल्स में बताएंगे। तो ऑफिशियल लिंक एक्टिव कर दिया गया है और ये सभी जोन के लिए इसी टाइप का कुछ होगा। तो जितने जोन वाले जहाँ जहाँ के लोग देखते हैं वीडियो को पूरा देखिएगा, तब पूरा क्लियर समझ पाएंगे। आपका भी इसी तरीका से कुछ आने वाला है दोस्तों। दोस्तों, एक चीज़ बोलना चाहेंगे, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो, पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी ज़रूर प्रेस करें ताकि रेलवे का कोई भी छोटी छोटी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। दोस्तों, चलिए आपको पूरा डिटेल्स में बताते हैं। दोस्तों तो अब हम आ गए हैं साउथ, देखिए यहाँ पे साउथ वेस्टर्न रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, इस पे हम आ गए हैं। अब यहाँ पे साउथ वेस्टर्न रेलवे सेल पे आने के बाद आपको यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है वेलकम टू आरआरसी हुबली। जैसे आपको पता है बेंगलोर जोन में तीन है, एक मैसूर है, एक बेंगलोर है और एक हुबली है, ये तीन जोन है। तो जहाँ पे ये हुबली जोन का दिया हुआ है यहाँ पे आप फर्स्ट में ही देखेंगे, ये आज अभी कुछ देर पहले का अपडेट आया, अभी जस्ट आया है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू, यहाँ पे देख लेंगे दोस्तों, क्लियर लिखा हुआ है क्लिक हियर टू व्यू स्टेटस नॉन पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हु हैव अटेंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन हेल्ड फ्रॉम 22/04/2019 टू 10/5/2019 लेवल वन पोस्ट अगेंस्ट CEN 02/2018 डेटेड 10/2/2018। ठीक है, ये डिटेल्स आप देख लीजिए। नॉन पीडब्ल्यूबीडी के लिए ये ज्वाइनिंग स्टेटस दे दिया गया है और यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद से आपको डिटेल्स में बताएंगे और भी कुछ। तो आप वीडियो को देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है आप लोग के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक बार क्लिक करते हैं। दोस्तों, क्लिक करने के बाद आप देख लीजिए यहाँ पे ओपन हो रहा है नॉन पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट रिजल्ट्स अगेंस्ट CEN 02/2018 कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हॉल्ड फ्रॉम 22/04/2019 टू 10/5/2019। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे नीचे में यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरव्यू रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देना है और डेट ऑफ बर्थ में डे मंथ और ईयर यहाँ पे देके, और ये एक कैप्चा है, ये कैप्चा देके उसके बाद से आपको यहाँ पे गेट डिटेल्स करेंगे। गेट डिटेल्स करते ही आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे पूरा डिटेल्स में लिखा रहेगा, आपका नाम लिखा रहेगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहेगा, कौन सा पोस्ट प्रिफ्रेंस के लिए आपको रखा गया है वो लिखा रहेगा और पोस्ट प्रेफरेंस भी वहाँ पे लिखा रहेगा। और नीचे में एक देखेंगे एक बॉक्स टाइप का है जहाँ पे पूरा डिटेल्स में और भी डिटेल्स में लिखा हुआ है कि कौन सा पोस्ट के लिए आपको बुलाया जा रहा है, किस पोस्ट के लिए आपको सिलेक्शन किया गया है। दोस्तों, एक चीज़ देखेंगे, बहुत जन का डीबी क्लियर है, मेडिकल क्लियर है और उनका नहीं आया है। उनका एक ही कारण है जो नहीं आने का दोस्तों, वो ये है कि उनका थोड़ा कम नंबर आया होगा, इसीलिए उनको शायद पास तो हो गए हैं, उनका नाम शो करेगा बट पोस्ट प्रेफरेंस में वहाँ पे कुछ नहीं है, ब्लैंक है। ठीक है, तो अगर इस तरीके का होता है तो ये मानेंगे कि वहाँ पे जैसे कि 10 वैकेंसीज है और 12-15 लड़का अगर सब क्लियर करते हैं तो किसी 10 को ही मिलेगा, जिसमें 10 को है तो 10 को ही नौकरी मिलेगी और वो भी जिनका हाईएस्ट नंबर होगा दोस्तों। ठीक है, अगर आप लोग अपना चाहे तो रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप चाहें मुझे देना तो दे सकते हैं, तो मैं एक बार चेक करके और आपको और भी डिटेल्स में पूरा समझा पाऊँगा, दिखा पाऊँगा। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, पूरा बात समझ में आ गया होगा।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में भी शेयर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो लोग पास हो गए हैं उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन।